तो गाइस 24 घंटे से भी कम टाइम रह चुका है एप्पल के आईफोन 15 के ऑफिशियल इवेंट में, जो कि कल होगा 10:30 बजे यानी कि 12 सितंबर को। ये इवेंट हमें एप्पल के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखने को मिल जाएगा, जो कि कैलिफोर्निया में होगा। इस इवेंट का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि मुझे तो आज नींद भी नहीं आने वाली है गाइस, क्योंकि आईफोन 15 में फाइनली बहुत सारे नए नए फीचर्स हमें इस साल देखने को मिलने वाले हैं। तो उन्हीं फाइनल फीचर्स और लीक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की एप्पल और आईओएस रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो इस साल के जो प्रो मॉडल्स होने वाले हैं 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स, वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होने वाले हैं, क्योंकि फाइनली इस साल स्टेनलेस स्टील की बजाय हमें टाइटेनियम वाली बॉडी देखने को मिल जाएगी इन दोनों डिवाइस में, जिससे कि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएंगे और टाइटेनियम फिनिश इनको एक अलग ही लुक देने वाला है। और क्योंकि इस साल एप्पल टाइटेनियम फ्रेम लॉन्च कर रहा है, तो फाइनली वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिल्वर कलर भी लॉन्च कर रहा है, यानी कि जो आईफोन 15 प्रो के मॉडल्स आएंगे उनमें नए कलर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि टाइटेनियम को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस साल एप्पल ने गोल्ड कलर को रिमूव कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कलर था आईफोन्स में, लेकिन इस साल गोल्ड कलर को गुड बाय कह दिया है एप्पल ने। ये बिल्कुल फाइनल और कन्फर्म लीक है। और वही 15 प्रो के कैमरास में एक नया लीक निकल कर आया है कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है, वो भी गाइस 48 मेगापिक्सल का इस साल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अब तक सिर्फ 12 मेगापिक्सल पर ही लिमिटेड था। तो फाइनली इस साल 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें आईफोन 15 प्रो के मॉडल्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा शानदार और क्लीन अल्ट्रा वाइड इमेजेस हमें उस कैमरा से देखने को मिलने वाली है। क्योंकि फाइनली एप्पल जो है इस साल अपने बेस मॉडल्स के कैमरास को भी अपग्रेड करने वाला है, जो कि 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल हो जाएंगे, यानी कि जो 15 और 15 प्लस मॉडल्स होंगे उनमें हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, वो भी 2x जूम के साथ। क्योंकि एप्पल जो है अब तक सिर्फ अपने मेन कैमरास पर ही फोकस करता था, लेकिन इस साल 2023 से ही एप्पल दूसरे कैमरास पर ही फोकस करेगा, यानी कि अल्ट्रा वाइड कैमरा और पेरिस्कोप कैमरा में इस साल जबरदस्त अपग्रेड हमें देखने को मिल जाएगा। और वही अगर हम पेरिस्कोप कैमरा की बात करें, तो उसमें एक तगड़ा लीक निकल कर आ रहा है कि इस साल हमें फाइनली 6x तक जूम देखने को मिल जाएगा। जो लीक और रूमर्स पहले आ रहे थे कि हमें 10x जूम देखने को मिलने वाला है, वो माइट भी पॉसिबल हमें इस साल देखने को नहीं मिलेगा, इस साल सिर्फ 6x जूम तक ही हमें प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा। और USB-C चार्जिंग पोर्ट की बात करें, तो वो 1000% कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई लीक और कोई रूमर्स नहीं है, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। USB-C चार्जिंग पोर्ट हमें सारे आईफोन 15 के लाइनअप में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सच बात तो ये है कि अब एप्पल के पास और दूसरा कोई चारा नहीं रहा है, उसको फाइनली USB-C चार्जिंग पोर्ट लाना ही पड़ेगा अपने आईफोन्स में। इतने साल एप्पल ने लाइटनिंग केबल से काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, तो फाइनली USB-C चार्जिंग पोर्ट पूरे आईफोन 15 के लाइनअप में हमें देखने को मिल जाएगा। और वही हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस के लीक्स भी निकल कर आ चुके हैं। आईफोन 15 जो हमें 80,000 रुपए का देखने को मिलेगा, आईफोन 15 प्लस हमें 85,000 का देखने को मिलेगा। और वही हम 15 प्रो और 15 मैक्स की बात करें, तो दोनों के रेट गाइस करीबन 1,45,000 से 1,50,000 के बीच आएगी। अभी जो नए रूमर्स आए उस हिसाब से जो है रेट सिर्फ 15 प्रो मैक्स की बढ़ेगी, 15 प्रो की नहीं बढ़ेगी, यानी कि जो 15 प्रो मैक्स होने वाला है उसमें हमें थोड़ा सा रेट इंक्रीज देखने को मिल सकता है, 1,60,000 रुपए से वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है गाइस। ये कंफर्मेशन हमें सिर्फ इवेंट में ही पता चलेगा, जो कि सिर्फ 24 घंटे दूर है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये आईफोन 15 के लीक्स की लास्ट वीडियो थी। अब जो वीडियो आएगी गाइस वो इवेंट्स के हाइलाइट्स की आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।